بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صلوات طول عمر کی خواہش نہ زندگانی کی نہ طول عمر کی خواہش نہ زندگانی کی نہ میرے دل میں تمنا ہے شادمانی کی یہی تو چیزاں जिंदगी होवे खुशियां होवे ते तू चाहना वल क्या है न तूले उम्र की ख्वाहिश न जिंदगानी की न मेरे दिल में तमन्ना है शादमानी की बस इतना देर मुंह अपना फेर ले पीरी बस इतनी देर मुँह अपना फेर ले पीरी के एक बार कसम खा लो फिर जवानी अली का दर्द जिंदगी लाखों की मौत है अली का दर्द जिंदगी लाखों की मौत है दाऊद का ए रसूल है हमारा वो रसूल है नारा हैदरी अली न तूले उम्र की ख्वाहिश न जिंदगानी की न मेरे दिल में तमन्ना है शादमानी बस इतनी देर मुंह अपना फेर ले पीरी के एक बार कसम खा लो फिर जवानी चंद रोजा नजर बहार हेवी सुभान अल्लाह चंद रोजा नजर बहार हेवी इस दुनिया दे गुलशन दी सुभान दस खाब तू अद भी याद है भी कोई गल अपने बचपन चंद रोजा चार दिहाड़े चंद रोजा नजर बहार है भी इस दुनिया दे गुलशन दी दस खाब तू अद भी याद है भी कोई गल अपने बचपन की मत ऐन बहार च आवन जी मत ऐन बहार च आवन जी इस चमन ते रुत उजड़न दी घुल गई ये लो बद अमली दी कोई कर तजवीज बचन दी मेहरबानी दुनियादारो इस दुनिया दे अंजाम ते गौर करो हा
दुनिया की पूजा पाठ करने वाले हजरात, दुनियादारो इस दुनिया दे अंजाम ते गौर करो। हा वीरान महल फिर आना दे अते उजड़े घर देखो। हा ओ किन गए मालिक लश्करा दे, ओ किन गए मालिक लश्करा दे, कुछ ता समझो सोचो। हा वो सीधा हड्डियां देख के कब्रा ना दानो समझ बनो। मुख्तसर गुफ्तगू दाद दो ना दो, माशाल्लाह माशाल्लाह, खैर नहीं खैर, सिर्फ माशाल्लाह 48 साल पहले आकाए मजलसी मरहूम दी एक किताब चश्मे नजात, उन्हां दी किताब ऐनुल हयात दा उर्दू तर्जमा जड़ा सन 1909 छपे, उदा नाम है क्या चश्मे निजात। ऐनुल हयात असल है ना, ये तर्जमा आका मजलसी किबला दी एक किताब पढ़ के और आकाए नजफी दी इस्लाह उल मजालिस पढ़ के सन 1974 इच में रिवायती जाकरी छोड़ दिती आई। माशाल्लाह माशाल्लाह, चंद गल्लां बड़े गौर समाप्त फरमा लो, थोड़ा जा मैं अपने बारे चर्च करना चाहूंगा। ये किताबा पढ़ के मैं महीना डेढ़ तो सोचता रहा भाई क्या करा, एक पासे दुनिया है एक पासे आखरत है, आखरत को दुनिया ते कुर्बान कर देवा या दुनिया को आखरत ते कुर्बान कर देवा। जमीर जिंदा हा, डेढ़ महीना बाद बहुत सोच विचार दे बाद इमाम बारगाह ब्लाक नंबर 7 च एक जलसा हा, उस जलसे च ऐलान कर देता कि मैं अज दे बाद ए झूठी गिना आलूद जाकरी न करे से। देखो सही मेरा भी आखिरी वक्त है हुण, ते मेहरबानी कर सो तो साए याद भी कर ले सो रिकॉर्ड भी कर ले सो, तवज्जो है ना। ये ऐलान जंगल दी तरह जंगल दी अग दी तरह फैल गया, संजीदा हजरात ने ता इस ऐलान नु सराहा और हौसला अफजाई फरमाई, लेकिन जाकिरीन जिन्ना दा झूठ और गिना सोने दे भाव खड़ा विकदा हा उन्होंने सख्त मुखालफत की थी, बोहतान बदनाम। मुख्तसर बकौल शायर, जो बुराई थी मेरे नाम से मंसूब हुई, जो बुराई थी
मेरे नाम से मंसूब हुई। दोस्तों कितना बुरा था मेरा अच्छा होना। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। मेहरबानी। खैर मैं मजीद मुख्तसर करा जो पढ़ने वाले हजरात जी। अच्छा जी, हो गया छोटी थी। फिर ये 48 साल का अरसा बहुत ही मुश्किल से गुजरा। मुखालफतों, गालियां, लानतों, तोहमतों, बल्कि मैं कुराह रावण के वास्ते मनसूबा भी बनाया गया, लेकिन ये लोग मनसूबे बनाते रहे तो मेरा अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा लिया। अच्छा हूँ कुछ 4 साल पहले 2 आयतां और 2 हदीसा पढ़ के ये जाकिरी भी छोड़ देते। वो आयतां और हदीसा वक्त नहीं जो मैं अर्ज करा, और इतना ज्यादा मैं पढ़ भी नहीं सकता। किबला साहब को खुदा बंदे करीम करबला दे बीमार दा सदका शिफाए कामला वादला अता फरमाए, इन्हां दा साया साडे सर ते सलामत रखे। देखो ना वो खुदा है जरा मुर्दा को जिंदा कर ले, इन्हें को जिंदगी अता फरमा ले। कौम को इन्हों की बड़ी जरूरत है, तो मेरे ते इन्हों के बड़े एहसान हैं। मैं बारू गाली खा के आवा आना तो वे मैं को तसली देने। अल्लामा हुसैन बख्श किला उन्हें को खुदा बख्श, वो वेले तफसीर पर लिखते हैं अनवार उन नजफ दारुलूम हमदिया छन, और मैं को वो आयतां सुने दे हम जेड़ियां पैगंबर दी तसल्ली दे वास्ते खुदा ने कुरान च भेजियां। अगर ये 2 बुजुर्ग मेरी रहनुमाई न कर दे तो मुमकिन है मैं रास्ता छोड़ बना, लेकिन नहीं छोड़ा। खुदा की मदद और इन्हें दी राहबरी दे नाल ते हुण 4 साल थी गए इनको ना मुहर्रम चेलम कोई मजलिस ते ना आंदा। अज किबला साहब की ज़ियारत वास्ते हाज़िर हुआ। ज़ाकरी इसको न कहिए, ज़ाकरी इसको न कहिए, सोगवारा ने हुसैन। ज़ाकरी इसको न कहिए, सोगवारा ने हुसैन, है गुलूकारों के हाथों में गरेबान हुसैन। मैं अपने 70 साल तजर्बे की बिना के मुताबिक अर्ज किया, मैं फिर अर्ज कर देना। कोई तो मेरे को इतने अशार, मैं खुद भी छोटा जहा शायर हाँ जो तुम सुनते सुनते थको ही नहीं, लेकिन ज़ाकरी इसको न कहिए। ज़ाकरी तो एक बहुत बड़ी इबादत है, जिक्र हुसैन। जाफर बिन अफ़ान ने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के सामने कुछ अशारे मुसीबत पढ़ के हजरत नु रवा दिता। इमाम रो पे अशारे मुसीबत सुन के इस अपने शायर दी जुबानी हंजू पूंज के फरमाने, ए जाफर जी मौला
जदों तू अशआर पढ़ता खड़ा आवे ना ओवेले अल्लाह ने तेरे ते जन्नत वाजिब कर दी और तेरे सारे गुनाह माफ फरमा दिए। जाकरी तो बहुत बड़ी इबादत है। ये मौजूदा जाकरी दा और गोया नतीजा मैं अर्ज पे करे ना जाकरी इसको न कहिए सोग बारान हुसैन है गुलूकारों के हाथों में गरेबान हुसैन। अल्लाह थोड़ा भला करे मैं दुआ गो हवा हूँ मैं लिखता रहना पंछी छोटे छोटे किताब से लिखे पे हैं जंजीर हिला देते हैं आवाज हक अल्लाह हजर की आप पंछी है और इस्लामी खबरें लिखता रहना मुआशरे की इस्लाह की खातिर और आले बैत रसूल दे मुहिब्बा की खिदमत आले मुहम्मद दे गोया समझो खुदूत पहुँचावन की कोशिश करें और रात दिन लगा रहा ना मैं को घर आले आख दिन थक पोसे बीमार हो वैसे मैं कहो हो गया हम तो बल क्या हो सी ये तो करा ना। इस वक्त सलवात पर मोहम्मद इस वक्त ये खबरनामे जेड़े मैं तुहाडे वास्ते पढ़न वास्ते ले आया इन्हां दे नाम सुन के नो तफसील नहीं पहला खबरनामा है आदाब गुफ्तगू बातचीत करन दे आदाब जो बात कहो साफ हो सुथरी हो फदी हो जो बात कहो साफ हो सुथरी हो भली हो कड़वी न हो खट्टी न हो मिश्री की दली हो। दूसरा खबरनामा ऐसा ही लोग सो रहे हैं। तीसरा बहिश्त की बहारें और दोजख की आग मोमिन की शान और निशानियां मोहब्बत अहले बैत वो हुसैन और वो खून नाम नहीं सुने वो हुसैन और वो खून ये जोश पली आबादी शायर इनकलाब दे मुसद्दस और नसर मैं तो बस तरतीब देती है शेर नाल मोहब्बत करन वाले ये जरूर पढ़न वो हुसैन और वो खून। नमाज पढ़ने का सवाब माँ बाप के हुकूक पर्दा और हया सखावत और बोखल दावत इत्तेहाद दाढ़ी रखना अंबिया की सीरत है लड़ाई झगड़ा और गुस्सा तिजारत और मीज़ान इल्म की फजीलत और उलमा का मकाम खुशखबरियाँ और डरावे आयात कुरानी खुशखबरियाँ दे बारे च भी और डरावे दे बारे दम और तावीज़ात ए तवज्जो नाल सुनाए एक किताब लाहौर छपिए मैं को मिलिए उन्दे च आयात कुरानी दे मुताबिक तावीज़ात और दम वो फिर मैं मुसलमानों दे फायदे वास्ते एक खबरनामा लिख दिता जैदा नाम रख्या दम और तावीज़ात तवज्जो नहीं है मेरे पास सफरे आखरत कौन से लोग जानवरों की शक्ल में मशहूर होंगे इंसान मशहूर न हो सन जानवर गुनाहगारों का इबरतनाक अंजाम गुनाहगारों तौबा कर लो तकरीर रिवायती जाकरी जाकरी इबादत है एक खबरनामे इस लिफाफे दे विच मौजूद है तुस पढ़ सो मेरे हक च दुआ फरमाए सो ते मैं सिर्फ एक बंद पढ़ देवा जबानी जबानी सलवात पढ़
الگیتے پا غم دا سرخ لباس نظر پاغم دا سرخ لباس نظر آشور دا سورج لہ گئے دامی دا دین سارا دن کربلا دی پرہول وادی ظلم اور تشدد دہ درے ہے کوئی رعایت نس کی تھی اپنے سورج دیا پوریاں کرنا کربلا دی پرہول وادی سٹیاں سا لیکن جدا پیغمبر زادیاں دے خیمہ چا آگ لگ گئی ہے نا اس ویلے شرما کے گہنا کے لہ گئے وہ مندر عرض پہ کرے نا صرف دو منٹ میں زیادہ نہیں نگاہ میرے طرح کھت میں ہو سکتا ہے اسے ڈوڑے تھی ختم کر دوں مومنین کی خدمت میں التماس ہے کہ تشریف رکھیں بیٹھ جائیں سب مومنین زیارت کر سکے بیٹھ جائیں مہربانی ہوگی بیٹھ جائیں نظم و ضبط کا خیال رکھیں یار بیٹھ جائیں سامنے کھڑے ہیں بیٹھ جائیں سب بیٹھ جائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حسینیت یزیدیت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ صلوات میں پڑھان دے مفسر قرآن حضرت آیت اللہ العظمیٰ آقا محمد حسین نجفی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بواد بلند صلوات ایک منٹ بند محقق کے دوران صاحب تجلیات صداقت صاحب قوانین شریعہ صاحب سعادت دارین آیت اللہ محمد حسین نجفی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات مومنین حضرات تشریف رکھیں بیٹھ جائیں مہربانی فرمائیں بیٹھیں دو منٹ کے لیے ملک صاحب مسئلہ پڑھتے ہیں بھجن بیٹھ جاؤ نیچے حسن بیٹھ جاؤ بیٹھ چلے بیٹھ جاؤ دو منٹ کے لیے فقط ملک صاحب مسئلہ پڑھتے ہیں اس کے بعد عمار بھائی قبلہ صاحب کے ترجمانی فرمائیں گے اور ان کے بعد برادر محترم حجت الاسلام والمسلمین مولانا عامر عباس حمدانی صاحب خطاب فرمائیں گے تشریف رکھے جو کھڑے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حسینیت یسارت الحسین یسارت الحسین نعرہ حیدری نعرہ صلوات سپڑو لوگ صاحب تھوڑا سا مار مار لو گے صاحب سارے اب آپ تشریف اسٹیج پہ کھڑا کوئی نہ ہو تشریف رکھو قبلہ صاحب کی صحت